राम राम भाई सारे भाइयों ने। तो भाई दूसरे दिन की शुरुआत हो गई है, तो सारे ड्राइवर भाइयों ने, सारे ट्रांसपोर्ट भाइयों ने और सभी भाइयों को भाई राम राम। भाई दूसरे दिन का टाइम हो गया है और किलोमीटर बता दूं भाई 51-41 किलोमीटर पे हमने यहाँ CNG गलवाई और यहीं सो गए थे जैसा कि मैंने बताया। और भाई 6:10 का टाइम हो गया है, 6:10 हो गई है। अब फ्रेश व्रेश होया है मैं और आज की चालू करते हैं भाई, आज का दिन कैसे बीते भगवान की दया से भाई, सबका मंगलमय हो, लेके बाबा का नाम। और चलते हैं भाइयों, आगे जो जो आओगा उसकी भाई छोटी मोटी वीडियो बना देंगे, अपना बता देंगे, ठीक है भाइयों। थोड़ी बहुत रोड की कितने टोल आवे हैं, बाकी तो भाई वीडियो के बाद में सारा सब क्यों मैं टोल का बता दूंगा भाई, कितने तक के टोल लगे और कितने किलोमीटर पड़ा है। तो भाई जय बाबा की। और भाई वीडियो को भाई लाइक और सब्सक्राइब और भाई ये क्या अगर शेयर जरूर कर दियो भाइयों, ठीक है भाइयों। राम राम भाइयों सारे भाइयों ने। सुबह का सूर्य उदय हो गया है और कितना सुंदर और कितना बढ़िया दृश्य है। और भाई आपा जान लाग रहे हैं इटावा भाइयों, यहाँ से इटावा 10 किलोमीटर रहता है इटावा। तो आगे भी अपने सारे भाइयों ने जानकारी देते रहेंगे। तो भाइयों जसवंत नगर जहां हम रुके थे वहां से ये पहला टोल आया है भाइयों। ये टोल पड़ा है भाइयों 45 किलोमीटर जसवंत नगर से। पहला टोल पड़ा है जसवंत नगर से और मेरे ख्याल से आगे खड़े हैं सेलटेक्स वाले। हाँ सेलटेक्स वाले खड़े हैं दोस्तों आगे, यहाँ पर गाड़ी के पेपर चेक करवाने पड़ेंगे। और भाई वीडियो करता हूँ बंद, ठीक। भाइयों जैसा कि ये टोल पार करते ही सेलटेक्स वालों ने गाड़ी रुकवाई थी तो पेपर चेक करके एक अपना ये देखो जो 60 लिखा हुआ है उसके लेफ्ट हैंड में एक स्टिकर लगता है तो ये लगवाया है। ये 400 रुपये का स्टिकर है भाइयों, जिस भाई को ना पता हो तो। ये अभी कोई यूपी में सेलटेक्स वाला परेशान नहीं, ये अंदर से भी दिखा दूँ मैं जो ये 60 ये इसके साथ में ये लाइफ टाइम का लगता है। अब ये है कि सेलटेक्स वाला में को इनकी जानकारी रहती है, जगह जगह कैमरे लगे रहते हैं तो उससे पता चल जाता है कि गाड़ी यूपी से बाहर निकल गई, इनको लोकेशन ट्रैक हो जाती है। तो आगे बढ़ते हैं भाइयों, सफ़र अभी बहुत है और बातें भी बहुत करनी है। Thank you.
ये दोस्तों अब हम बिहार में एंट्री कर रहे हैं। ये बिहार का टोल है और इसके 500 मीटर बाद बिहार का बॉर्डर आएगा। बिहार का बॉर्डर, तो जितने मेरे ड्राइवर भाई हैं ये बिहार से 500 मीटर पहले ये टोल है। अरे रुक जा भाई, रोक ले। बिहार टोल, यहाँ से 500 मीटर का बोर्ड लगा हुआ था भाइयों, 500 मीटर बाद यहाँ से ये बिहार चालू हो जाएगा। बिहार मेरे ख्याल से बिहार का टोल, बिहार का बॉर्डर, ये है बिहार का बॉर्डर। देख लो गाड़ी वालों से कैसे पैसे मांग रही है ये, देखा। लाइन पर अगर चलना पड़ेगा दोस्तों, इसका आइडिया नहीं है कि कौन सी लाइन कहाँ जाएगी क्या करेगी। बाकी आप देखते रहो, आगे पुलिस है हमें रुकवाएगी, क्योंकि दारू बंद है ना बिहार में, तो इस वजह से पेपर वगैरह देखेंगे पुलिस वाले और आगे की पोजीशन सिचुएशन जैसी भी होगी मैं बताऊंगा आपको। लेकिन ये क्यों रोक ली इसने, और वो लाइन चल रही है। चल तो पड़ा भाई, ये देख लो ये कैसी रोडों की हालत है, ये सड़कें देखो कैसी हैं, सड़कों की हालत बहुत बुरी है, बहुत बुरी हालत है सड़कों की। क्या बात है, देख वाह भाई वाह, क्या बात है, ये देख लो भाई, कोई रूल नहीं,
कोई रेगुलेशन, कोई रूल रेगुलेशन कुछ नहीं। कहां से वो कहां लेके गया है अब ये देखो दोस्तों, थोड़ा सा इधर से ये बिहार बॉर्डर आ गया है, शायद पुलिस वाले शायद हमें कैमरा ना चलाने दें। तो भाइयों, ये सासाराम के बाद दूसरा टोल आया है, ये लिख बिना रहा कितका टोल है के है भाई, लेकिन आया दूसरा टोल है भाई, देखियो जरा ही ना, 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 ना। चाय पियोगा? चाय 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 भाई, चाय बहुत बढ़िया बनाओ भाई, ये रे बराती, जितने बराती मेरे रे बारात में सारे घोड़े ले रे, कितने गजब बछे रे, होवन लागे फेरे गीत लगैया ने। भाई राम राम सारे भाइया ने, सारे भाई छोटे बड़े सब बहना भाई राम राम, जो अपने भाई ड्राइवर भाई हैं, ट्रांसपोर्टर भाई हैं, उनने भी राम राम भाई, जितने भी भाई वीडियो देखा सब ने राम राम। तो भाइयों कल मैं चल रहा था, कल जसवंत नगर रुक गया था, उड़े पहला स्टॉपेज था अपना भाइयों, और वहाँ से कल दूसरा दिन था, तो जसवंत नगर इसने लगा दूँ अड़े भाई पकड़े पकड़े बड़ो जगह भाई, इसका आवाज़ क्लियर आवे है, यो बोया का माइक बताओ बढ़िया हुआ है, तो यो लिया था मगर भैया ने आवाज़ तो क्लियर आ जाएगी। तो भाई जसवंत नगर तो कल दूसरा दिन था अपना, और वहाँ से कल मैंने पूरे दिन तो भाई गाड़ी चलाई और पूरी रात, तो तकरीबन एक बारी स्विच ऑन कर लूँ मैं तो मैं बता दूँ कि गाड़ी कितनी चलाई मैंने, एक मिनट तो भाई मोटा मोटी बता दूँ हूँ मैं, 820 किलोमीटर के हिसाब से गाड़ी चलाई है। अब मैं कल का रूट में बता दूँ आप तई, जसवंत नगर ते अग इटावा पड़े है, जो टोल पार करते ही सेलटैक्स वाले ने रोक लिया था, उसका पेपर चेक कराए, फिर एक सेलटैक्स वालों का कार्ड लिया, फिर भाई कानपुर आ गया, कानपुर से भाई राइट लेके अपना कलकत्ता वाला रोड छोड़ना नहीं है, अगर जिस भाई को इधर उड़ीसा या आगे जाना हो तो कलकत्ता से देवप्रयाग आया, मेरे ख्याल से 225 किलोमीटर पड़ता है, देवप्रयाग से भाई बनारस पड़ा है, 225 बनारस पड़ा है। तो फिर कल बनारस में हमने गैस ली है नीचे उतर के, क्योंकि हाईवे पे कोई भी पंप था नहीं, इसलिए बनारस में भाई कल गैस ली बनारस से, और यहाँ आ गया मैं बिहार में भी, यहाँ से गैस डलवा के आगे जाऊँगे रांची, और रांची के बीच में पड़ा है भाइयों आपको बता दूँ अपना जो शोले फिल्म की शूटिंग हुई थी वो रामगढ़ गांव पड़ा है, तो अगर मौका लगा वो दिखाई दिया रास्ते में से तो उसका भी मैं आपको शूट दिखाऊंगा भाइयों। तो आज की वीडियो में इतना ही भाइयों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी होता हो वो कर दियो, छोटे भाई ने प्यार दियो जिससे कि हौसला बढ़ जाए,
और आगे जो भी शूट करेंगे भाई, जैसा भी बन पाया तो वैसा थोड़ा हौसला बढ़ा दियो, तो आगे वीडियो बने रही हो भाई, पोज करूँ।